शिवपुरी जिले के गोवर्धन थाना क्षेत्र के एक गांव में 70 वर्षीय वृद्ध महिला से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने शराब के नशे में दुष्कर्म की घटना को अंजाम देना स्वीकार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को पोहरी न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। दरअसल शिवपुरी जिले के गोवर्धन थाना क्षेत्र के ग्राम धोरिया में 13 नवंबर रविवार की रात इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया, जहां 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ उसके बेटे दामाद ने रात भर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता ने घटना की रिपोर्ट गोवर्धन थाना पहुंचकर कराई, जिस पर मामला दर्ज कर दिया गया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने अपने बेटे का नाम लेकर जबरदस्ती दरवाजा खुलवाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान पीड़िता ने आरोपी को पहचान लिया। आरोपी अपनी पत्नी को लेने ससुराल धोरिया गया हुआ था। वो पिछले 4 दिनों से अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ ससुराल में रुका था। रविवार की रात उसने शराब के नशे में अकेली घर में रह रही दादी सास के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और घटना के बाद आरोपी फरार हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना है जो बलात्कार हुआ है, उसके बारे में आप क्या बताएं कुछ? कल दिनांक 14/11/2022 को ग्राम धोरिया की पीड़िता करीबन उम्र 70 साल रिपोर्ट की थी। थाना बैराड़ का उसके परिवार का दामाद 3-4 दिन से उसके गांव धोरिया में आया था, जो यहीं पर रह रहा था। तो रात्रि में पीड़िता अकेली मकान में रहती थी, उसके बच्चे अलग अलग रहते, काफ़ी वृद्ध है। रात के समय उसने आवाज़ लगाकर दरवाज़ा खुलवाया और घर में घुसकर उसके साथ गलत काम किया है। आरोपी की सरगर्मी से तलाश की गई और उसको आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। ठीक, 24 घंटे से पूर्व ही वरिष्ठ अधिकारियों के गिरफ्तारी के निर्देश के पालन में गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है।